हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 7 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। लिखा है अलाइन सेगमेंट AB इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट P एंड थ्रू पॉइंट P अनदर लाइन सेगमेंट PQ विच इज परपेंडिकुलर टू AB इज ड्रॉन शोन दैट QA इज इक्वल टू QB। आसान क्वेश्चन है बेटा, इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे। सॉल्यूशन कह रहा है, एक लाइन सेगमेंट है AB जो कि P पॉइंट पर बाइसेक्ट हो जाती है। तो हम बना लेते हैं, आपने एक लाइन सेगमेंट बनाया AB जो कि P पॉइंट पर बाइसेक्ट हो जाती है। अच्छा, P पॉइंट पर बाइसेक्ट होने का मतलब क्या है कि P पॉइंट पर ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, यानी AP और PB आपका बराबर होगा। ये चीज़ क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद लिखा है एंड थ्रू पॉइंट P अनदर लाइन सेगमेंट PQ विच इज़ परपेंडिकुलर टू AB। कह रहा है पॉइंट P से एक और लाइन सेगमेंट बनाया गया है PQ। तो यहाँ पे हम एक और लाइन सेगमेंट बना देते हैं PQ, और कह रहा है सच दैट जो PQ है ना, ये AB के परपेंडिकुलर है। अगर PQ AB के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। क्लियर है बेटा, अच्छे से ओके। इसके बाद देखो आपसे कह क्या रहा है, कह रहा है कि शो दैट QA बराबर QB, QA और QB बराबर होगा, आप ऐसा शो करो। तो पहले शो करने के लिए तो पहले इसको मिलाना पड़ेगा QA और QB को। क्लियर है ओके, आसान है बेटा। देख लो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप गिवन लिखेंगे, जो जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। गिवन क्या क्या है बेटा, कि AP इज इक्वल टू PB है, ये चीज़ आपको गिवन है। AP इज इक्वल टू PB। सेकेंड चीज़ क्या गिवन है बेटा, कि एंगल APQ और एंगल BPQ 90 डिग्री के हैं। एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल BPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ यानी क्या चीज़ शो करनी है, QA इज इक्वल टू QB ऐसा शो करना है आपको ओके। प्रूफ देख लीजिए, इसके बाद आसान क्वेश्चन है। आप लेंगे ये दो ट्राइंगल लेंगे आप, QPA और QPB। इन ट्राइंगल QPA एंड ट्राइंगल QPB, अगर समझने में दिक्कत है तो इसको अलग अलग बना लो और समझ में आएगा। मैं अलग अलग यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका QAP है और ये आपका QPB है ओके। ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ये दोनों साइड बराबर हैं और QP साइड तो दोनों में सेम है, कॉमन है ओके। तो यही चीज़ लिखना है बस आपको, कि AP इज इक्वल टू PB और एंगल APQ बराबर एंगल BPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका सोर्स क्या लिखोगे, कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है ओके। और QP इज इक्वल टू QP हो जाएगा, इसका सोर्स क्या लिखोगे, क्योंकि ये कॉमन साइड बेटा, एक ही साइड है तो वो आपस में तो बराबर होगी, ठीक है। लिखोगे यहाँ पे therefore triangle QPA is congruent to triangle QPB। ये लाइन मैं अपने से नहीं लिखता हूँ, जो यहाँ पे लिखता हूँ ना, बस एंड का साइन हटा करके कॉन्ग्रेंसी का साइन लगा दो, ठीक है। क्राइटेरिया क्या लगेगा बेटा, साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच का एंगल इक्वल है दोनों में, तो साइड एंगल साइड लग जाएगा, ठीक है। साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया लग गया, फिर आपका QA इज इक्वल टू QB हो जाएगा, QA इज इक्वल टू QB। इसका रीज़न क्या रहेगा, इसका रीज़न रहेगा CPCTC, क्योंकि एक बार दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, उसके बचे हुए साइड, बचे हुए एंगल आपस में अपने आप बराबर हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। लिखा है इफ़ AP bisect angle BAC एंड M इज एनी पॉइंट ऑन AP, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम M टू AB एंड AC आर इक्वल।
आसान क्वेश्चन है बेटा, इसको समझेंगे थोड़ा सा। एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, बी एस सी क्या दिया है, अच्छा माफ़ करिएगा, बी एस सी एक एंगल है। तो यहाँ पे आप पहले बना लोगे छोटा सा, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर लो। ओके, इसके बाद समझना, कह रहा है ए पी जो है इसको बाइसेक करता है। तो ए पी ये लाइन हो गई मान लीजिए, ये ए पी हो गया। बाइसेक करने का मतलब है कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी एंगल बी ए पी बराबर होगा एंगल सी ए पी के, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। कह रहा है एम कोई पॉइंट है ए पी पर, ए पी पर आप एम कोई पॉइंट ले लो यहाँ पे, और उस एम पॉइंट से आप दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ए बी और ए सी पर। तो कर दीजिए परपेंडिकुलर ड्रॉप, परपेंडिकुलर इसको नाम दे दीजिए डी एम डी, और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, इसको नाम दे दीजिए ई। तो कह रहा है प्रूफ करिए ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए है ना, ये आपस में इक्वल है। तो प्रूफ कर देंगे, देखो आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखोगे यहाँ पे, गिवन लिखोगे, जो जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एंगल डी ए एम, अच्छा चाहे बी ए पी एंगल कहो तो भी ये वाला एंगल आ रहा है, चाहे डी ए एम कहो तो भी ये वाला एंगल आ रहा है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एंगल डी ए एम बराबर होगा एंगल ई ए एम के, ई ए एम के क्वेश्चन में गिवन था। गिवन किस प्रकार से था, क्योंकि ए पी आपका एंगल बाइसेक्टर था, जब एंगल बाइसेक्टर है तो जाहिर सी बात है एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, क्लियर है। दूसरी चीज़ क्या गिवन थी कि एंगल एम डी ए, एंगल एम डी ए बराबर है एंगल एम ई ए के, एम ई ए के। रीज़न क्या है, क्योंकि परपेंडिकुलर है बेटा, 90 डिग्री का होगा, क्लियर है। ओके अच्छा, इसके बाद टू प्रूफ देखो, आपको प्रूफ क्या करनी है चीज़ें, टू प्रूफ में लिखोगे आप कि एम डी बराबर एम ई है, ये आपको प्रूफ करना है, एम ई बराबर एम डी। प्रूफ देख लो आप कैसे करोगे, प्रूफ आप यहाँ पे दो ट्राइंगल लोगे जो आपको दिख रहे हैं, एक आपका एम ए डी लोगे, एक आपका एम ए ए लोगे। आप लिखोगे इन ट्राइंगल एम ए डी एंड ट्राइंगल एम ए ई, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखोगे कि एंगल एम डी ए एंगल एम ई ए के बराबर है, एंगल एम डी ए इज इक्वल टू एंगल एम ई ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरी चीज़ क्या लिखोगे कि एंगल डी ए एम बराबर है एंगल ई ए एम के, ठीक है। तो एंगल डी ए एम बराबर है एंगल ई ए एम के, इन दोनों का रीज़न क्या रहेगा, ये दोनों तो गिवन में लिखा है तो आप इसको गिवन लिख दो, क्लियर है। थर्ड चीज़ रहेगी कि ए एम आपका दोनों ट्राइंगल में है तो ए एम बराबर ए एम हो जाएगा कॉमन, और थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो देखो अलग अलग बना देता हूँ, समझ लो, कन्फ्यूजन में मत रहना। ये आपका ए डी एम है, ठीक है, नीचे वाला ही बना देता हूँ, रुक जाओ, एक आपका ए एम ई है, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, क्योंकि दोनों कॉमन है। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, एंगल एंगल साइड का क्राइटेरिया लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे देयर फोर ट्राइंगल एम ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एम ए ई। रीज़न क्या होगा बेटा, एंगल एंगल साइड का, एक बार एंगल एंगल साइड के थ्रू आपके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, ओके, तो आप एम डी बराबर एम ई कह सकते हो सी पी सी टी सी के थ्रू, तो एम डी बराबर एम ई, ठीक है ना। रीज़न क्या रहेगा, सी पी सी टी सी, सी पी सी टी सी का फुल फॉर्म पता है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, यानी अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है आपके तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, क्लियर है बेटा, अच्छे से। ओके चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। देखो ये और आसान है, यहाँ पे आपको डायग्राम दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम द गिवन डायग्राम इन विच ए बी सी डी इज़ अ पैरलोग्राम, ए बी सी डी आपका पैरलोग्राम है, ओके।
ए बी एल इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी एल आपका एक लाइन सेगमेंट है, एंड ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ई जो है बी सी का मिड पॉइंट है। अगर ई बी सी का मिड पॉइंट है इसका मतलब बी ई और ई सी बराबर होंगे, ये भी आप समझ गए होंगे। प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल डी सी ई कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल एल बी ई के, ए बी बराबर बी एल होगा और ए एल इज इक्वल टू 2 times डी सी होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। अच्छा, ए बी सी डी पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है, जब पैरेललोग्राम दिया तो जाहिर सी बात ये दोनों लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, और जब आपने ए बी को एक्सटेंड किया ना एल तक, तो जो आपका ए एल लाइन भी होगी वो भी पूरी की पूरी पैरेलल होगी डी सी के, ऐसा आपको लेट करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो ही गई है पूरा, तो ये वाला एंगल जो मैं मार्क कर रहा हूँ और ये वाला एंगल बराबर होगा, रीज़न क्या रहेगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं पता है तो देख लो, वैसे मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी देख लो, अगर कोई दो लाइन आपकी आपस में पैरेलल है और ऐसे कोई किसी लाइन ने काटा है तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है, इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल। क्लियर है ना, अच्छे से। चलो, कौन कौन सा ट्रायंगल लोगे, अच्छा पहले गिवन वगैरह लिख लो क्या क्या दिया हुआ है। गिवन क्या लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखोगे कि बी ई इज इक्वल टू ई सी है, बी ई बराबर ई सी है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। सेकंड चीज क्या लिखोगे कि अगर डी सी ए एल के पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये डायरेक्ट आपको लिखना है, आप ये सब मत लिखो कि ए बी डी सी के पैरेलल ही, तो गिवन ही है ना। गिवन में आप वो लिखते हो जो आपको दिया हुआ है, उससे कंक्लूजन जो निकालना है वो लिखते हो गिवन में। ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं छापना है आपको। तो आपका डी सी ई एंगल जो होगा वो एंगल ई बी एल के बराबर हो जाएगा, एंगल डी सी ई बराबर हो जाएगा एंगल ई बी एल के, रीज़न क्या रहेगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ए एल टी उसके बाद एंगल लिख लो, क्लियर है अच्छे से। अब इसके बाद देखो टू प्रूफ, टू प्रूफ में आपको क्या क्या करना है देख लो, तीन चीज़ें बेसिकली करनी है। पहला क्या है कि ट्राइंगल डी सी ई, एक मिनट, डी इसको सी कर लो और इसको ई कर लो, इस कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एल बी ई। ओके, सेकेंड पार्ट क्या है कि ए बी इज इक्वल टू बी एल होगा, थर्ड पार्ट क्या है कि ए एल इज इक्वल टू 2 times डी सी होगा। क्लियर है अच्छे से, प्रूफ देख लो कैसे करेंगे प्रूफ। अच्छा, प्रूफ करने से पहले मैं आपको यहाँ पर ट्राइंगल अलग अलग बता देता हूँ कि हम कौन कौन सा प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, डी सी ई ट्राइंगल लेंगे आप, और आप ये वाला लेंगे बी ई एल। ठीक है, सी ई बी के बराबर है क्योंकि ई आपका मिड पॉइंट था। ओके, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, अल्टरनेट एंगल। और एक चीज़ और देखना, ये वाला जो एंगल है ना ये भी इसके बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर कोई दो लाइन ऐसे जा रही है, यहाँ पे समझ लो, अगर कोई दो लाइन ऐसे जा रही है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, यानी एंगल वन एंगल टू के बराबर होगा, एंगल थ्री एंगल फोर के बराबर होगा, इसको कहते हैं आप वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़ ना होना, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, देखो दो एंगल है एक साइड है, तो इसमें आपके दो क्राइटेरिया आते हैं, एक एंगल एंगल साइड आता है और एक एंगल साइड एंगल आता है। अगर दोनों एंगल सेम साइड पर हैं, अगर जैसे दोनों एंगल एक ही साइड पर हैं दोनों में, तो उस केस में कौन सा क्राइटेरिया लगता है, एंगल साइड एंगल। और अगर दो एंगल होते और साइड मान लो कोई और से बराबर होते, जैसे मान लो डी सी इज इक्वल टू बी एल होता फॉर एग्जाम्पल मान लो, तो उस केस में आपका एंगल एंगल साइड लगता। क्लियर है ना अच्छे से। चलिए इसके बाद लिखेंगे, तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल डी सी ई, एक मिनट, सी को मैं बार बार ई क्यों बना दे रहा हूँ बेटा, इसको काट के फिर से लिख लो, इन ट्राइंगल डी सी ई एंड ट्राइंगल बी ई एल। ओके, पहला क्राइटेरिया क्या लिखोगे बताना सर, कि एंगल डी ई सी, एंगल डी ई सी इज इक्वल टू एंगल बी ई एल, रीज़न क्या रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वी ओ एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ समझना। उसके बाद क्या लिखोगे, एंगल डी सी ई
डी सी ई मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ई बी एल, इसका रीज़न क्या रहेगा, ऑल्टरनेट एंगल तो ऊपर लिख चुके हैं तो इसको डायरेक्ट लिख दो कि इसको आपने गिवन से लिखा है, क्लियर है। सी ई इज इक्वल टू बी ई हो जाएगा, सी ई इज इक्वल टू हो गया बी ई, इसको भी आपने कहाँ से लिखा है, इसको भी आपने गिवन से लिखा है, ठीक है। तो कौन, यहाँ पे लिख रहा हूँ जगह नहीं नीचे, तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, देयरफॉर ट्राइंगल डी सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ई एल, क्राइटेरिया कौन सा लगा, एंगल साइड एंगल। एक बार क्राइटेरिया लगा है तो एक बार आपके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्राइटेरिया लगा के, तो आप क्या लिख सकते हो, आप डी सी इज इक्वल टू बी एल लिख सकते हो ना, डी सी इज इक्वल टू बी एल, रीज़न क्या रहेगा, सी पी सी टी सी, ठीक है। और समझना, ये आपका पहला पार्ट प्रूव हो गया, ये पहला वाला देखो प्रूव हो गया, ठीक है। ए बी सी डी आपका एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो अपोजिट साइड होते हैं ना वो बराबर होते हैं, तो ए बी और सी डी आपस में अपोजिट साइड हैं, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी आप लिख सकते हो, रीज़न क्या लिखोगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है बेटा वो इक्वल होती है, क्लियर है, अच्छे से, ओके। अच्छा इसके बाद समझना, ए बी सी डी के बराबर है, सी डी बी एल के बराबर है, इसको इक्वेशन वन लिख लो, इसको इक्वेशन टू लिख लो, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे आप तो आप लिख सकते हो ना कि ए बी और बी एल बराबर है, तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू आप क्या कह सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू बी एल, ठीक है। आपका ये चीज़ भी प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए, यहाँ पे थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि ए एल जो है ट्वाइस ऑफ डी सी है, लिख लेंगे देखो कैसे करेंगे। अच्छा ए एल ज़रा फिगर में देखो क्या है, ए एल ये दिया हुआ है, ठीक है। ए एल को आप क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस बी एल लिख सकते हो, ए बी प्लस में बी एल लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब समझना, इसको आप इक्वेशन थर्ड कह लो, ठीक है। अब देखो समझ गए ना, इसको आप इक्वेशन थर्ड कह लो, ए बी को ए एल को क्या लिखना है, ट्वाइस ऑफ डी सी, ठीक है। देखो ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, ठीक है। बी एल किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, तो ए एल को आप लिख सकते हो सी डी प्लस में सी डी, इसका रीज़न क्या लिखोगे कि फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, थर्ड का तो इस्तेमाल भी नहीं हुआ, देख लो कैसे लिखा है। ए एल को आप क्या लिख सकते हो, सिंपली ए बी प्लस बी एल, ए बी आपका सी डी के बराबर है, अब ठीक है ना, और बी एल आपका किसके बराबर था बेटा, बी एल भी आपका सी डी के बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है, बी एल भी सी डी के बराबर है, तो ए बी की जगह पे सी डी लिख दिया, बी एल की जगह पे सी डी लिख दिया, सी डी सी डी मिलकर क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ सी डी हो जाएगा, तो ए एल इज इक्वल टू कितना आ गया, टू टाइम्स ऑफ सी डी, ठीक है। ये चीज़ भी आपकी प्रूफ हो गई, सी डी कहो डी सी कहो बात सेम है, ओके। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।